सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय और सभी को साधुवाद। देखिए, थोड़ा सा मौसम में अगर बात करें तो कितनी गर्मी थी आज सुबह से। हम सुबह से ही आपको वीडियोस दिखा रहे हैं कि गर्मी कितनी पड़ रही है, लेकिन चलो थोड़ा सा अभी शाम से ना थोड़ा सा रिलीफ मिला है। थोड़ी हवा शवा चल रही है बाहर, और इस हवा से थोड़ा सा ये है कि शाम के समय जो गर्मी पड़ रही थी उसमें थोड़ा सा रिलीफ लोगों को ज़रूर मिलेगा। लेकिन अभी भी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो बच्चों के स्कूल में फ़िलहाल अभी छुट्टियाँ डाली जाएँ, क्योंकि बच्चे जो हैं इतनी गर्मी में स्कूल जा रहे हैं। और साथ ही में हमने ये भी रिक्वेस्ट की थी कि आंगनवाड़ी में भी छुट्टियाँ डाली जाएँ। आंगनवाड़ी में कभी छुट्टियाँ नहीं होती, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, हेल्पर्स हैं, वहाँ भी छोटे छोटे बच्चे आते हैं। वहाँ आज भी जो है सुबह से लेकर 2 बजे तक ही टाइमिंग है, वहाँ टाइमिंग भी चेंज नहीं हुआ है। लेकिन चलो थोड़ा सा रिलीफ ज़रूर मिला है, भगवान ने थोड़ा सा जो लगातार गर्मी पड़ रही थी, क्योंकि बारिश का तो अभी कोई अता पता है नहीं कि बारिश कब आएगी, लेकिन फिर भी आज शाम से ही ये थोड़ी हवाएं चलने लगी हैं, उससे थोड़ा सा मौसम में जो है थोड़ा सा आप कहेंगे कि मतलब जो आप गर्माइश थी आज दिन में जो गर्मी पड़ रही थी, इस समय वो गर्मी नहीं है। आप अगर इस समय शाम को इवनिंग वॉक पे भी निकलें या अपने छत पे भी चक्कर लगाएं तो आप थोड़ा ये ठंडी हवा का मज़ा ले सकते हैं, क्योंकि इस समय गर्मी नहीं है। क्योंकि अगर हम पिछले कल की बात करें तो अगर इस समय आप बाहर निकलते तो अभी तक जैसे मैं खड़ा हूँ तो अभी तक कितनी स्वेटिंग हो जानी थी, पसीना निकल जाना था। लेकिन अभी देखो हवा चल रही है, थोड़ा मौसम में थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा लोगों को। लेकिन अभी जैसा मौसम का विभाग का कहना है, अभी कुछ दिन बारिश तो नहीं है, लेकिन बारिश होनी चाहिए, थोड़ा बारिश हो जिससे थोड़ा सा लोगों को रिलीफ मिले, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इस समय। और मैं तो ये रिक्वेस्ट भी करूँगा इस गर्मी के चलते स्कूलों में भी छुट्टियाँ डाल देनी चाहिए, ताकि स्कूलों में बच्चे जो जाते हैं उनको थोड़ा सा भी रिलीफ मिले। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में भी अभी 21 तारीख से लेकर 28 तारीख तक जो है छुट्टियाँ डाली हुई हैं। उसका कारण ये है क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि 25, 26, 27 तारीख को जो है काफ़ी ज़्यादा गर्मी होने वाली है, 45 डिग्री तक टेम्परेचर जाने वाला है। इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि खास करके जब आप बाहर निकलते हैं तो अपने साथ पानी ज़रूर कैरी करें, और पानी के साथ ग्लूकोज पानी में डाल लें तो वो ज़्यादा अच्छा है, नींबू पानी साथ में लेकर चलें तो ज़्यादा अच्छा है। तो बाकी थोड़ा सा रिलीफ मिला है, ठंडी हवा इस समय चल रही है, आज दिन भर गर्मी रही तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा अपडेट दे देते हैं कि चलो सभी लोग ठंडी हवा का मज़ा लें। वैसे अभी अगर कमरों में एसी लगा के बैठे हैं तो थोड़ी देर के लिए अपने छत पर टहल लीजिए और नेचुरल एसी का भी मज़ा लें। धन्यवाद। राम राम। सत्य सनातन धर्म की जय और सभी को साधुवाद।